नमस्कार, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं इस वक्त एबी न्यूज पर। सबसे ऊपर पट्टा का सबसे टॉप फ्लोर है बिस्कोमान, जहां से हम आपको आज होने वाली जन आकांक्षा रैली का अपडेट कराएंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं पटना के गांधी मैदान में ये भीड़ राहुल गांधी की भीड़ है जी, या जन आकांक्षा की भीड़ है, जिसको लेकर आज ये भीड़ आप देख सकते हैं। और लगातार मैसेज के जरिए बस उनकी गाड़ी बस क्रॉस करने वाली है। आप देख सकते हैं ये लाइव वीडियो सिर्फ अजय भारत पर, कि किस तरीके से गोलंबर को क्रॉस करते हुए ब्लैक कलर की गाड़ी राहुल गांधी की, आप देखिए तस्वीरों में। और ये एसपीजी के तमाम कमांडो उस वक्त उनके सुरक्षा घेरे में राहुल गांधी को लिए हुए हैं। और राहुल गांधी सुप्रीमो और कांग्रेस इस वक्त पट्टा पहुंच गए हैं। और एक नंबर गेट से देखे कि किस तरीके से उनकी एंट्री हुई है, एक नंबर गेट से तमाम उनके काफिले की एंट्री हुई और राहुल गांधी अब इन कर चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहें कि जन आकांक्षा रैली की जो तमाम तैयारियां हैं राहुल गांधी को लेकर की गई थी। और आप देख सकते हैं कि मंच से ठीक पहले जो नेता हैं वो इस वक्त लाइन लगाकर खड़े हैं, क्योंकि राहुल गांधी बस पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त जहाँ राहुल गांधी पहुँच चुके हैं। अब मैं चूँकि बिस्कोमान में होने की वजह से तस्वीरें थोड़ी धुंधली भले ही हो सकती है, लेकिन मकसद बहुत साफ है कि गांधी मैदान की हर वो पल पल की ताज़ा खबर अपडेट कराना हमारा मकसद है। और राहुल गांधी बस गाड़ी से उतरने वाले हैं। राहुल गांधी के उतरते ही तमाम जो नेता हैं वो उनका स्वागत करेंगे पटना के गांधी मैदान में। ऐसे में उनके साथ कई मुख्यमंत्री भी, देश के कई अलग अलग राज्यों के जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री भी इस वक्त पटना के गांधी मैदान पहुँच चुके हैं, कि राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में पहुँच चुके हैं। यानी कि ये नज़ारा बहुत खास है, बहुत स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी 30 साल के बाद, यानी कि इससे ठीक पहले राजीव गांधी आए थे 30 साल पहले, वो वक्त था 78-79 का, और आज 30 साल बाद 2019 में राहुल गांधी आए हैं। इस दरमियान कांग्रेस के लिए ये किसी शंख पुष्पी से कम नहीं होगा ये आलम, क्योंकि 30 साल से ज़्यादा का सफ़र बीत गया। बीच में लालू राबड़ी की सरकार बनी, कांग्रेस भले ही उसमें सहयोगी पार्टी रही हो, लेकिन जो कांग्रेस इस वक्त दिख रही है वो पूरे फुल फ्लेज में दिख रही है। यानी कि 2019 में अगर पीएम मोदी को शिकस्त देना है तो पटना के जरिए राहुल गांधी क्या कुछ मैसेज देते हैं ये अभी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो ज़रूर ये स्थिति साफ हो गई है कि राहुल गांधी को देखने के लिए पटना में लोगों की भीड़ जुटी है, और एक दिन पहले से लोग यहाँ आने लगे थे। हाँ, ये अलग बात है कि सभी नेताओं ने ज़रूरत से ज़्यादा ही दावा किया था, तकरीबन लाखों लाख लोगों का दावा किया गया था, लेकिन दावा उस वक्त फेल हो जाता है जब पटना के गांधी मैदान में इस वक्त हम तस्वीर देखते हैं। लेकिन कुछ भी कह लें, कांग्रेस अपने वजूद पर दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस जो परजीवी पार्टी दिख रही थी, जो दूसरे के सहारे चल रही थी, वो आज अपने ही पैरों पर खड़ी दिख रही है। इसलिए क्योंकि ये भीड़ कांग्रेस की भीड़ है जी, या कांग्रेस की ये भीड़, और राहुल गांधी पहुंच चुके हैं पटना के गांधी मैदान में। तो ये आलम बहुत खास होता है जब किसी ऊँची इमारत से आप कोई, तो देखिए अभी अभी हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी की तस्वीर को राहुल गांधी ने माल्यार्पण कर नमन किया है। यानी कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी जी को याद करते हुए राहुल गांधी मंच की तरफ धीरे धीरे अपने नेताओं से मिलने पहुंच रहे हैं। ये लाइव वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त अजय भारत पर, और अजय भारत पर ये ताज़ा अपडेट। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त मंच पर पहुंचने वाले हैं, और देखिए उनके पीछे जो तस्वीर है वो उनके साथ के नेताओं की है। तो तमाम एसपीजी के कमांडो के बीचों बीच राहुल गांधी इस वक्त आप देख सकते हैं, हालांकि थोड़ी बहुत बैरिकेटिंग है, आपको असुविधा हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी के अंदाज को आप देखने की कोशिश करें तो आप समझ जाएंगे कि राहुल गांधी कितने उत्साहित नज़र आ रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। एक लंबी लिस्ट है वहाँ पर नेताओं की, जिससे एक एक करके राहुल गांधी मिल रहे हैं। तो ये राहुल गांधी के मंच के भाषण से ठीक पहले की ये तस्वीर, जो नेताओं से मिल रहे हैं राहुल गांधी। तो
ये नज़ारा पटना के गांधी मैदान में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 30 सालों के बाद राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं। कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा नेता पहुंचा हो, इसलिए क्योंकि 79 के आसपास 79 में राजीव गांधी, इनके पिता राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, पटना के गांधी मैदान पहुँचे थे और 30 साल का लंबा सफ़र पूरा किया गया। 30 साल के बाद कांग्रेस के बड़े नेता इस वक्त पटना के गांधी मैदान में पहुंचे हैं। तो आप देखिए कि हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन करते हुए राहुल गांधी सीधा अब मंच पर चढ़ रहे हैं और देखिए बीचों बीच राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त जो खामोश दिख रही जनता है वो देखिए राहुल गांधी को देखने सुनने और समझने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से जो आगाज करेंगे वो साफ होगा कि अगली सरकार और जनता को जुमलेबाजों की सरकार के खिलाफ जरूर नारा देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो जन आकांक्षा रैली बुलाई है तो जनता की आकांक्षाओं पर खड़े उतरने वाले राहुल गांधी जरूर कुछ ऐसा जरूर कहेंगे जो बिहार की जनता को अच्छा लगेगा, क्योंकि वक्त है बदलाव का। जो कोटेशन था इस पूरी रैली का, तो बदलाव कितना कुछ आएगा ये तो आने वाला ही वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी के मंच पर पहुँचते ही देखिए किस तरह से जो गांधी मैदान की जो भीड़ है वो उन्हें जिंदाबाद के नारों के साथ इस वक्त सलाम कर रही है। भीड़ पहुंच चुकी है, कार्यकर्ता नेताओं ने जो दावा किया था, तो ये भीड़ इस वक्त आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं पटना के सबसे टॉप फ्लोर बिस्कोमान से। तो हम यूं ही आपको ताज़ा अपडेट करते रहेंगे, आप देखते रहिए अजय भारत। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ कुमार गौतम, AV न्यूज़ पटना।